और जो त्रिवेणी है ना प्रयाग की ना है, यहां भी त्रिवेणी है और यहां भी अपन डुबकियां ही लगाने के लिए गीतों की, गजलों की, नुक्कड़ की। तो इस मौके का मैं पूरा फायदा उठा लेना चाहता हूं। आज दिन भर हमने ये सुना कि आज ग्रह नक्षत्र जो हैं वो बड़े अनुकूल हैं, सभी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मेरे लिए, मेरे पास एक नया गीत है जो हमारे किसी मित्र ने नहीं सुना, और न तो कभी मित्र ने सुना, न कभी किसी श्रोता मित्र ने सुना, क्योंकि ये पहली बार मैं आप लोगों के बीच में सुनाने जा रहा हूँ। वो भी हमारे भैया जी ने जिस तरह से उन्मुक्त होकर गीत सुनाया, और जैसे आपने सुना तो मेरा मन हुआ कि मैं आज इस नए गीत से मौनी अवस्था का पूरा लाभ उठाऊं और आपको जोड़ूं। यादों का गीत है। इस गीत में केवल दो तीन बातें मुझे कहनी है। हिंदी गीत की जो परंपरा है उसमें हम सभी लोग कुछ शब्दों से परहेज रखते हैं। हम लोगों के यहाँ ये है कि ये गीत के शब्द नहीं है, उन्हें अछूता सा मानते हैं। इस गीत को लिखते समय इस तरह के जितने भी अछूत थे सब इसमें आ गए ज्यादातर। तो हमने जो हमारे एक मित्र हैं वो क्या करते हैं कि ये तुमने जो है न छूने वाले लगभग दलित से शब्दों का जो गीत ये रचा है, तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि ये शब्दों की बहुजन समाज पार्टी। इस भाव से इसको देख लीजिए। एक भाव इसमें और ये है कि इसी गीत में सारे रस मिल जाएंगे आपको, श्रृंगार भी, हास भी, ऊंच भी, तो ज्यादा कोई वो सब करने की जरूरत नहीं है। और एक कोशिश मैं ये करूंगा जादू दिखाने की कि शायद आप इस हॉल से उठ के कभी अपने गांव चले जाएं या अपने पुराने उस शहर चले जाएं जिन गलियों में आपका बचपन बीता है। तो ये इस तरह की यादों का गीत है, किसी प्रेमिका की यादों का गीत नहीं है। तो मैं इस गीत से ही आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत कर रहा हूँ। एक गीत ये सुना दूंगा, आपको अच्छा लग गया, और एक जिस गीत के लिए हमारे संपत भैया ने कहा है। जी सर, हमको आदेश दे दीजिए जिसका सीधा सा आशय है। याद बहुत आती हैं गुड्डा गुड़ियों वाले दिन, याद बहुत आती हैं गुड्डा गुड़ियों वाले दिन, और दस पैसे में दो चूरन की पुड़ियों वाले दिन। हे याद बहुत आती हैं गुड्डा गुड़ियों वाले दिन, और दस पैसे में दो चूरन की पुड़ियों वाले दिन, कि ओलम इमला पार्टी बुध का खड़ियों वाले दिन, कच्ची कच्ची अमिया फुर फुर चिड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डा गुड़ियों वाले दिन, कि दस पैसे में दो चूरन की पुड़ियों वाले दिन, कि दस पैसे में दो चूरन की पुड़ियों वाले दिन। क्या दिन है के पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, के पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले। के पनवाड़ी की, थोड़ा सा सहयोग इसलिए चाहिए कि पहली बार पढ़ रहा हूं, के पनवाड़ी की चढ़ी धारी घूमे मस्त निठल्ले, कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले, और कालर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, कालर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, अरे बस्ता लेकर घर से निकली कुड़ियों वाले दिन। गुड़ियों वाले दिन, अरे दस पैसे में दो चूरन की बुड़ियों वाले दिन, ये दस पैसे में दो चूरन की पुड़ियों वाले दिन। और कैसे बीते के लिख लिख पढ़ पढ़ झूमे फाड़े एक प्यार की चिट्ठी, लिख लिख पढ़ पढ़ झूमे फाड़े एक प्यार की चिट्ठी, दिन भर उसका नाम उसी की बातें खट्टी मिठी, रूमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन, रूमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन, अरे कंचा जैसी गोल गोल अंखड़ियों वाले दिन। हे
याद बहुत आते हैं उल्टा कुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की बुड़ियों वाले दिन। अरे सुबह शाम की दंड बैठ के चना छाछ भर लोटा। ये भी माहौल है उसी दिनों में जाए तो सुबह शाम की दंड बैठ के चना छाछ भर लोटा। दंगल की ललकार सामने सूखे टंगा लंगोटा। ए सुबह शाम की दंड बैठ के चना छाछ भर लोटा। दंगल की ललकार सामने सूखे टंगा लंगोटा। मोटी मोटी रोटी घी की भड़ियों वाले दिन। ओ मोटी मोटी रोटी घी की भड़ियों वाले दिन। ओ गैया भैंसी बैल बकरियां पड़ियों वाले दिन। ये याद बहुत आते हैं बुड्ढा गुड़ियों वाले दिन। और 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। और एक दृश्य दिखा रहा हूं, शायद सभी की जिंदगी से ये एक दृश्य निकला है, हम याद दिला देते हैं। कविता शुरू हो रही है के तेज धार करती बंजारन चक्का खूब घुमावे। के तेज धार करती बंजारन चक्का खूब घुमावे। और दाब दांत के बीच कटारी मंद मंद मुस्कावे। और पूरा गली मोहल्ला घायल छुरियों वाले दिन। पूरा गली मोहल्ला घायल छुरियों वाले दिन। अरे छुरियों छुरियों फूट रही फुलझड़ियों वाले दिन। ए याद बहुत आते हैं गुड्डा गुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। और इन्हीं दिनों में हम लोगों का जो गांव का एक परिवेश होता है, जरा देखिए घर का मैं परिवेश पूरा बता रहा हूं। उन्हीं दिनों की बात है कि घर भीतर मनिहार चढ़ावे चुड़ियां कसी कसी सी। हमारे यहां जो चुड़ियों को चढ़ाने वाले लोग हैं उन्हें मनिहार कहते हैं। यहां से सुनिएगा कि ये सीन क्या है के घर भीतर मनिहार चढ़ावे चुड़ियां कसी कसी सी। और पास खड़े भैया मुस्कावे भौजी फंसी फंसी सी। अच्छा है। घर भीतर मनिहार चढ़ावे चुड़ियां कसी कसी सी। और पास खड़े भैया मुस्कावे भौजी फंसी फंसी सी। देहरी की निगरानी करती बुढ़ियों वाले दिन। देहरी की निगरानी करती बुढ़ियों वाले दिन। अरे देहरी की निगरानी करती बुढ़ियों वाले दिन। अरे फेरी करते बाबा की खंजड़ियों वाले दिन। हे याद बहुत आते हैं बुड्ढा बुढ़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। बरसात के दिन है के दिन दिन भी गए दिन दिन बरसे पानी भी गए छप्पर आंखें नीचे। कभी देखिए बरसात में दिन भर अगर कोई छप्पर भीग रहा है तो शाम को टप टप चूने लगता है। अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि 50-55 साल का कोई अधेड़ बिना दाढ़ी बनाए आग बंद किए बैठे रो रहा है। लगभग इस तरह का सीन बन जाता है के दिन दिन बरसे पानी भी गए छप्पर आंखें नीचे। और बूढ़ा दबा रही है झाड़ू सिलबट्टा के नीचे। ये प्रथा है कि सिलबट्टा के नीचे अगर झाड़ू दबा दो तो पानी रुक जाता है। हमारे यहाँ लोग मानता इस तरह की है तो उसका मैंने इस्तेमाल किया है के दिन दिन बरसे पानी भी गए छप्पर आंखें नीचे। और बूढ़ा दबा रही है झाड़ू सिलबट्टा के नीचे। और टोना सब बेकार झोंक मिचकुड़ियों वाले दिन। और घुटनों घुटनों पानी फुंसी फुड़ियों वाले दिन। हे याद बहुत आते हैं गुड्डा गुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन।
और एक ऐसे दिन जो सबके साथ गुजरे हैं, हम समझते हैं कि इस पूरे प्रेक्षागार में जो हमारी उम्र के लोग हैं, आगे पीछे के लोग, उनकी मैं चुगली कर रहा हूं उनके समय की। यहां पर शोले का मैंने इस्तेमाल कर लिया संपत भैया, जैसे कि पिक्चर के शोले देख छुपा है वीरू दरवाजे के पीछे। आनंद लीजिएगा इस बंद का। के शोले देख छुपा है वीरू दरवाजे के पीछे, वो चाचा ढूंढ रहे हैं बटुआ फिर तकिया के नीचे। के शोले देख छुपा है वीरू दरवाजे के पीछे, वो चाचा ढूंढ रहे हैं बटुआ फिर तकिया के नीचे। चाची बेत छुपाती घूमे छड़ियों वाले दिन, अरे चाची छेत छुपाती घूमे छड़ियों वाले दिन, ओ हल्दी गर्म दूध के संग फिट करियों वाले दिन। हे याद बहुत आते हैं गुड्डा कुड़ियों वाले दिन, अरे दस पैसे में दो चूरन की पुड़ियों वाले दिन। और अंतिम पंक्तियां हैं, बहुत अच्छा गीत है, दो चूरन की पुड़ियों वाले दिन, ये याद बहुत आते हैं गुट्टा गुड़ियों वाले दिन, अरे दस पैसे में दो चूरन की पुड़ियों वाले दिन। चलिए, पहली बार आपने सुना इस गीत को, पसंद किया, अंतिम पंक्तियां जो है मैं महसूस कर रहा हूँ। और जिस गीत के लिए जी, इसी क्रम में गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, रिश्तों का गीत है। जिंदगी में दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक वो जिन्हें हम जन्म से पाते हैं उन्हें निभाते हैं, एक वो जो जिंदगी में हम चलते हुए राह में बनाते हैं। हम इस गीत के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि जो लोग जिंदगी में बनाए हुए रिश्तों के प्रति ईमानदार रहते हैं, जन्म के रिश्ते भी उन्हीं से निभ पाते हैं। लोग इसको पसंद करते हैं, बार बार आपके बीच में जो आया भी इस गीत का उसमें एक कारण है, प्रस्तुत करता हूं, सुनिए सर। कि राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, कि राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। यह है गीत का फंदा। अब मैं इसका स्वेटर बुनने जा रहा हूं, डिजाइन देखिएगा कैसी है। गीत का प्रथम चरण, कि मेरे घर के आगे एक खिड़की थी, जिंदगी का पहला राह का रिश्ता, कि मेरे घर के आगे एक खिड़की थी, खिड़की से झांका करती लड़की थी। एक रोज यूं ही मैंने टॉफी खाई, फिर जीभ निकाली उसको दिखलाई, गुस्से में वो छज्जे परवान खड़ी, आंखों ही आंखों मुझसे बहुत लड़ी। उसने भी फिर टॉफी मंगवाई थी, आधी जूठी करके भिजवाई थी, वह जूठी टॉफी अब भी मुंह में है, वह जूठी टॉफी अब भी मुंह में है, वह जूठी टॉफी अब भी मुंह में है। हो गए शुगर हम फिर भी खाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। अब होता क्या है कि टॉफी तो मिलती है 17-18 में, और ये शुगर मिलती है 50 में 55। कोई रिश्ता जिंदगी में शायद राह का इतना मीठा और इतना लंबा शायद ही हो। हो गई शुगर हम फिर भी खाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। जिंदगी आगे बढ़ी और देखिए राह का एक प्यारा सा रिश्ता और बना, कि दिल्ली की बस्ती मेरे बाजू में, दिल्ली की बस्ती मेरे बाजू में, एक गोरी गोरी बिल्ली बैठी थी,
बिल्ली के उड़ते रेशम बालों से मेरे दिल की चूहिया कुछ बैठी थी, चूहिया ने उस बिल्ली को काट लिया, बस फिर क्या था बिल्ली का ठाट हुआ। वो बिल्ली अब भी मेरे बाजू है, वो बिल्ली अब भी मेरे बाजू है, वो बिल्ली अब भी मेरे बाजू है, उसके बाजू में मेरा राजू है, वो बिल्ली अब भी मेरे बाजू है, उसके बाजू में मेरा राजू है। अब बिल्ली चूहिया राजू सब मिलकर मुझको ही मेरा गीत सुनाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। गीत थोड़ा सा मोड़ लेगा और यही हमारी कोशिश भी थी। जिंदगी में अकेले रहने का अवसर मिला होगा सभी को, कभी स्कूल के बहाने, कभी नौकरी के बहाने। ऐसे ही तन्हाई में बना हुआ एक अनाम रिश्ता है जिसको मैं गा रहा हूँ। आपकी जिंदगी के पास से गुजरा हो, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। पंक्तियां सुनिए कि एक बूढ़ा रोज गली में आता था, हॉस्टल लाइफ देखिए कैसे आ रही है, कि एक बूढ़ा रोज गली में आता था, जाने किस भाषा में वो गाता था, लेकिन उसका स्वर मेरे कानों में अब उठो लाल कहकर खो जाता था। मैं निपट अकेला खाता सोता था, 9 बजे क्लास का टाइम होता था, एक रोज मिस नहीं मेरी क्लास हुई, मैं टॉप कर गया पूरी आस हुई। वो बूढ़ा जाने किस नगरी में हो, वो बूढ़ा जाने किस नगरी में हो, उसके स्वर अब भी हमें जगाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। मिलता है मुझे वही दांत चाहिए, ढूंढ कर दीजिएगा दांत। बढ़िया सी पंक्तियां एक है केवल इसमें, बाकी सब उसकी भूमिका में है। और पंक्तियां कुछ यूं हैं कि एक दोस्त मेरा सीमा पर रहता था, एक दोस्त मेरा सीमा पर रहता था, चिट्ठी में जाने क्या क्या कहता था, उर्दू आती थी मुझे, लेकिन उसको जवाब उर्दू में देता था। एक रोज मौलवी नहीं रहे भाई, अगले दिन ही उसकी चिट्ठी आई, खत का जवाब अब किससे लिखवाता, वह तो सीमा पर रो रो मर जाता। हम उर्दू सीख रहे हैं नेट युग में, हम उर्दू सीख रहे हैं नेट युग में, अब खुद जवाब हैं गाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। और अब तक के पूरे गीत का जो सार है अंतिम पंक्तियों में, पल भर में से भारी